लग रहा था कि आज 3-4 घंटा 5 घंटा हम लोग को आराम करने का मौका मिलेगा, लेकिन बुला लिया गया तो क्या करना है। काम तो कुछ खास नहीं हो रहा, सटीक नाम है लेकिन इंगेज रखा जाता है डिपार्टमेंट में। छुट्टी हमारे लोग को रद्द हो गया, हम लोग को जिला भेजने का नोटिस आ चुका है। हम लोग जिला जाएंगे 24 से दशहरा दिवाली में। देखिए महिला प्रशिक्षु भी घास काटने लगी हुई है। देख लीजिए ये मैडम माया के नाम से फेमस है दरौनी। बोलिए बोलिए मैडम कुछ। अरे हमारे ब्लॉगर ये है विजय सर के जब तक एकेडमी है, ये सब शेरनी है छतरानी है आप क्या? हम लोग पता नहीं क्या है। हम लोग को अभी तक पता नहीं चला। देखिए वो नमूना, देखिए नमूना और राइटर। ये हम लोग का क्या वर्टिकल रोप है। बोलिए प्रवीण भाई क्या कर रहे हैं। प्रवीण जी बेस्ट फोटोग्राफी अगर हमारे कंपनी में, हाँ हमारे कंपनी का फोटोग्राफी का अवार्ड इनको हम लोग दे सकते हैं। चलिए सभी का बहुत ही तन्मयता से फोटो अच्छे अच्छे निकालते हैं फोटो। आज भी हम लोग का स्मृति दिवस में इन्होंने जो फोटो निकाला क्या कहना है। 10-5 जितना अभी तक का सबसे लंबा वीडियो बनते हुए। चलिए उधर राहुल लिखने में माहिर है, साहित्यिक और कवि वाला इनका गुण है, वो दिखता है कभी कभी स्टेटस में। तो आगे ये हमें लगता है कि और बेहतर ही करेंगे, अभी तो फिलहाल पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या पता भी नहीं चल रहा क्या करने आए यहाँ पे। चलिए निरंजन जी हल्का अभी बताइए। सिर्फ फटिक करना ही। देखिए अपने आप को जहाँ जिस देश में जहाँ जिस जगह पे जाते वैसे ढाल लेते हैं। ये क्या बोला जाता है इसको, कौमी फ्लैग। ये क्राउन प्रिंस का ये ताज है हमारी कंपनी की। कुल मिला के ये कहिए कि हम लोग दोपहर के धूप में फटी करने आए, लेकिन देख लीजिए एंजॉय कर रहे हैं, भूत है। अकेले अगर यहाँ रहते हैं तो लगता कि दंड दिया गया, लेकिन हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। कुछ देर में पतंजलि का प्रचार कर रहे हैं, कुछ देर में झींगा लाला वो मत करना शुरू कर दीजिए। पतंजलि के शीशा तर गया घास काटो। उधर भी नुकल था पिंकू पकड़ा गया। चलिए बोलिए ना। जय हिंद दोस्तों। देखिए आज पुलिस स्मृति दिवस था, हम लोग पुलिस स्मृति दिवस के बाद 9:30 बजे के आसपास रूम पे पहुँचे। लगा कि आज क्लास नहीं है आराम करेंगे, लेकिन 10 बजे के आसपास वो लोग एक नया मैसेज आ जाता है कि मतलब आराम करना उन लोग को। हम लोग को दिन में आज फटिक धूप में लगा दिया। तो यही है पुलिस डिपार्टमेंट, यही है पुलिस डिपार्टमेंट कि आराम करने आपको नहीं देगा, काम रहे या ना रहे। ये अरशद भाई फटिक लगा दिया गया कि पूरा दिवाली का साफ सफाई पूरे कैंपस को करना है, पूरे 200 दरोगा मिलकर के आप सफाई कर रहे हैं। देखिए ये घास छील रहे हैं, काम नहीं होता है, टाइम काटा जाता है, ये जान लीजिए। आपको एंगेज रखा जाएगा काम रहे या ना रहे। इनके बारे में, इनके बारे में बस इनके बारे में बताएं हम। ये हमारे पूर्व प्रेसिडेंट है। ये देखिए पूर्व राइटर रह चुके हैं कंपनी में, एक राइटर होता है हर एक कंपनी में, विक्रांत इनका नाम है। बहुत ही शानदार दरोगा ये अपने जिले में जाएंगे तो इनका नाम आप लोग सुनेंगे। बोलिए इनका नाम हम लोग थानेदार रखे हैं, थानेदार। क्या करने आ रहे हैं आज? हम लोग यहाँ फटिक करने आए हैं। हम लोग ऐसा फटिक कर रहे हैं कि जितने भी बीपीए में गंदगी या गंदगी की सफाई कर रहे हैं, ताकि मेरी बीपीए जो है, हम लोग जो बीपीए को मंदिर की तरह रखना चाहते हैं, हम लोग यहाँ क्या कहते हैं दरोगा बन रहे हैं, ताकि हम लोग का जो हम लोग यहाँ से तैयार होके जाए क्षेत्र में लगे कि 2019 का बैच का जो दरोगा आया है बिहार में भोकाल टाइट करना है। ये 2019 का बैच जो बन के जाएगा बाहर दरोगा, तो पूरे बिहार के दशा और दिशा को बदलेगा। तो आज हमारे बिहार में क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, उसका ग्राफ नीचे करेंगे। सवेरे हम लोग का जिस ड्रेस में आप लोग देखे थे स्मृति दिवस में, पूरा क्रॉस बेल्ट पीकेप में, लग नहीं रहा होगा कि वही दरोगा यहाँ पे घास काटने फटने लगा। श्रम दान है,
ये जमीन से जुड़ाव सिखाता है, जमीन पर रहना सिखाता है। तो यही है आज का वीडियो को आज बंद करते हैं। झाड़ू बाल्टी खुरपी हथिया के साथ हम लोग को फटिक में आने बोला था। मिश्रा जी, ये मिश्रा जी देखिए, बोलिए कुछ मिश्रा जी, बोलिए। हाँ अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए मिश्रा जी। दोस्तों के बीच नहीं, देखिए हम लोग को जो है कि व्यवहारिक फटिक का हमारे कार्यकाल में और जो आयोजन किया जाता है, इसमें सभी दोस्त हम लोग जो है कि एक साथ मिलते हैं, अनऑफिशियली होता है, आराम से जो है कि कदम ताल में या लाइन के पीछे है कि एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें है कि बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बेहतर हर चीज़ हो जा रहा है, चलिए साफ सुथरा होता है। चलिए नहीं नहीं चलिए बात। तो अब देखिए अर्पण जी हैं, बहुत ही शानदार होगा भविष्य में ये।